नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके अपने छोटे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि AOC ट्रेडमैन पर एक वीडियो बनाओ सर। इसके चलते दोस्तों मैं विकास कुमार नामक कैंडिडेट है, ये AOC सिलेक्टेड बंदा ट्रेडमैन में। इसके बारे में आप जितने लोगों के डाउट है सारे क्लियर करेंगे दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार हरियाणा से। जैसे कि भाई ने बताया AOC ट्रेडमैन मीट में सबसे पहले होता है ट्रेडमैन में फिजिकल में होता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 1600 मीटर रेस होती है। नहीं, 1600 मीटर बिल्कुल रेस नहीं होती। कहीं भी 1500 मीटर रेस होती है और 1500 मीटर रेस में 6 मिनट की टाइमिंग होती है। और हर डिपो का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। जो जो बच्चे रेस को क्वालिफाई करते हैं 1500 मीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करके आगे जाते हैं, उनसे 50 किलो वेट उठवा जाता है। जैसे मिट्टी भर के बोरी में रख देते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप 10 बच्चे आ जाते हैं एक साथ। और 10 बच्चे आने के बाद जैसे कि भाई हर बच्चा अपने आप उठाता है वेट। भैया अपना वेट उठा के कंधे पर रख के 200 मीटर दौड़ना होता है। 200 मीटर इसमें टाइमिंग होती है लगभग 90 सेकेंड की। और कईयों में क्या होता है, कई डिपो में कि अपना आप उठाना होता है वेट, और कईयों में होता है कि भाई दूसरा बच्चा हेल्प के लिए दे देते हैं। हाँ, हेल्प के लिए दे देते हैं। और ऐसे ही जो बच्चा फिजिकल और ये वेट उठाने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है उसके बाद उनको रिटर्न की डेट दे दी जाती है। तो रिटर्न में दोस्तों सबसे मेन फोकस होता है इंग्लिश पे। 50 नंबर की इंग्लिश आती है इसमें, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस। और जिस बच्चे की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस बढ़िया है वो लड़का इसमें आराम से सिलेक्शन ले सकता है गारंटी के साथ। बाकी तो 25 नंबर की मैथ आता है, 25 नंबर की जिनिंग आती है, नॉर्मल है वो तो लगभग बच्चों की कवर होती है। 50 मेन फोकस होना अपना इंग्लिश पे और जनरल अवेयरनेस पे 50-50 नंबर की। 150 में से लगभग जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मेरे हिसाब से बताता हूँ मैं, 130 प्लस पे गारंटीड सिलेक्शन हो जाता है। जनरल कैंडिडेट का 150 में से 135 प्लस पे सिलेक्शन है गारंटीड, बिल्कुल कन्फर्म। और SC कैंडिडेट का 120 नंबर पे सिलेक्शन है गारंटीड, और OBC कैंडिडेट का 130 प्लस पे सिलेक्शन है गारंटीड। और जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका अच्छा एग्जाम हो जाता है। उसके बाद भाई डिपो के बाहर लिस्ट लगती है किस किस कैंडिडेट का भाई नाम आया है, लिस्ट भी लग जाती है और लेटर घर पे भिजवा दिए जाते हैं बाई पोस्ट, और मैसेज भी कर दिया जाता है। आजकल थोड़ा टेक्निकल बढ़ गया, हमारे टाइम में तो सीधा भेज दिया जाता था ऑफलाइन। मेडिकल सर्विस में किस टाइप का होता है, मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है या अपने डिस्ट्रिक्ट के मान ले? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेडिकल होता है इसमें बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि मेडिकल का प्रोफॉर्मा दिया जाता है। जिस डिपो में भर्ती होती है उस डिपो स्पेशल अपना प्रोफॉर्मा भेजता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही। ज्वाइनिंग लेटर में होती है अपने पास भाई कितना ग्रेड पे मिलेगा इसमें, ट्रेडमैन में 1800 ग्रेड पे की जॉब होती है, 1800 बेसिक पे। तो पूरी डिटेल होती है इसमें, 1800 बेसिक पे इतना अपने को अलाउंस मिलेगा, इतना हाउस रेंट मिलेगा, अपनी यहाँ ज्वाइनिंग होगी, कितने साल का प्रोविजनल पीरियड होता है वहाँ, ये एक क्वेश्चन। और 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है इसमें। रही बात मेडिकल की, मेडिकल का परफॉर्मा ज्वाइनिंग लेटर में साथ ही आता है। तो मेडिकल में फिर अपने को नॉर्मल होते हैं बिल्कुल, भाई हाथ उत कटा नहीं होना चाहिए और पैर पूर थोड़े नॉर्मल होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल अपने खुद के सिविल हॉस्पिटल में होता है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1% भी। जो बच्चा बिल्कुल फिट है, जिस बच्चे ने सीधी सीधी बात ही है, जिस बच्चे ने 1600 मीटर रेस स्कोर कर ली ना अपने आप, बढ़िया रेस मार दी क्वालिफाई, वो बच्चा मेडिकल में आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है कि समझे बिल्कुल 1% भी आउट नहीं होगा। सैलरी कितनी होती है सर इसमें? सैलरी सर इसमें 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। हाँ जी, इसमें 18000 बेसिक पे होती है, 34% आपको मिलता हुआ डीएल। हाँ, डीओ सेंटर के हिसाब से। और एचआरए मिलता हुआ 15%। हाँ, एचआरए होता है अपने सिटी के हिसाब से। जैसे कि अपने देश में महानगर है, उन महानगरों में 54 हाउस रेंट होता है, और जिस तरह XYZ टाइप की सिटी होती थी उस हिसाब से हाउस रेंट मिलता है इसमें। बाकी बात यह है भाई नौकरी करने लायक ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चा सर इसमें प्रमोशन है क्या प्रावधान, आगे प्रमोशन होता है या नहीं के बराबर होता है, आगे क्या प्रोसीजर प्रमोशन इसमें होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रमोशन थोड़ा लेट प्रोसेस है लेकिन होता है, जिस बंदे की क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है प्रमोशन। टाइम टाइम पे डिपो में एग्जाम होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नौकरी करने लायक है
बढ़िया नौकरी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो ट्रेडमैन है सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद उसको फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी? फैसिलिटी जैसे कैंटीन कार्ड होगा, मेडिकल कार्ड होगा, आपने बहुत अच्छा किया है, एमएस की सुविधा होगी, क्या क्या मिलती है? फैसिलिटी मिलती है सर आपको, जैसे कि अपना एक तो ये ग्रोसरी कार्ड बनता है, उसमें लिमिट होती है 5,000 रुपये तक का सामान खरीद सकता है लिमिट। और मेडिकल कार्ड है, ये एसआईसी वाला होता है मेडिकल, उसमें भी अपनी मेडिकल सुविधा मिलती है, ये दो सुविधा होती है, कैंटीन की मेडिकल भी। लिकर कार्ड नहीं होता ट्रेडमैन मेट का, क्योंकि सिविलियन पोस्ट है, लिकर कार्ड नहीं होता। लिकर कार्ड होता है ओनली प्रॉपर डिफेंस जीडी कलर के प्रॉपर फौज वाले। तो इसमें ट्रांसफर का क्या मामला सर? ट्रांसफर जैसे आपकी, हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा बंदा, मैं हरियाणा का जलंधर हूँ, तो मेरा काम ठीक था, नजदीक ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। कई बंदे हमारे जैसे साउथ में है, नॉर्थ अपना है हरियाणा यूपी है, और जैसे दूर दूर है ना, देह लद्दाख आगे से सबसे बेस्ट प्रोसेस होती है ट्रांसफर की म्यूचुअल वाली। अगर आपको बंदा म्यूचुअल मिल जाता है तो उससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। म्यूचुअल में होता है कि मैं आना चाहता हूँ जलंधर, और जलंधर वाला बंदा मेरी जगह आना चाहता है म्यूचुअल। अच्छा, हाँ, मेरी जगह वो बंदा उसकी जगह ट्रांसफर होता है। हाँ, आपस में ट्रांसफर, ये होती है ट्रांसफर की। और ज्यादा रेयर चांस होती है बिल्कुल 5% मेडिकल। अगर अपने घर में ज्यादा मेडिकल इश्यू है, किसी पिताजी को कैंसर है, माता को कैंसर है, आई डिजीज, मतलब बहुत गहरी बीमारी, अपने बिना काम चल ही नहीं सकता, मैं मोटिव दिखाना पड़ता अभी घर जाने का, ये होता है सिलेक्शन। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सेविंग का क्या मैटर है? तो सर जो एओसी ट्रेडमैन, क्या उनको सेविंग कराना पड़ता है जो कटिंग होती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। जैसे फौजी जैसा ये होता है, डिपो पर डिपेंड, कई डिपो होती है, जैसे जिस तरह श्रीनगर है वहाँ पे प्रॉपर आर्मी का, आपको पता है हर बंदे के साथ आर्मी वाला, आर्मी का ऑर्डर सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी का खर्चा वहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सेविंग का सिस्टम होता है, लेकिन लगभग सिविलियन डिपार्टमेंट ज्यादा सेविंग का नहीं होता है, मेरे आप देख सकते हो सेविंग। हाँ दोस्तों, कभी आप ऐसा सोचो कि इन्हें सेविंग नहीं करा रखी विकास कुमार ने, तो सेविंग का कोई इशू नहीं है, आप जितने मर्जी बाल को बढ़ा सकते हैं, वो दाढ़ी रख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा वो होगा नहीं, बिल्कुल पूरा हेयर स्टाइल वाला, ये तो फौज है थोड़ी ज्यादा बड़े अच्छे नहीं रहते, हिसाब सिर के होते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपका और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। फिर से आप भाइयों के लिए मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों हाँ, कोई भी कॉमेंट कर देना, हम तैयार है बिल्कुल। संदीप भाई के लिए भी आप कॉमेंट करो, उसका जवाब देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, बिल्कुल पूरी सपोर्ट में है। जिस भाई ने सिलेक्शन में कोई दिक्कत आ, रिकमेंड करो भाई के चैनल में, सपोर्ट करो, बहुत अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, फुल भाई की सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। रक्षा मंत्रालय के अधीन आपको नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन बहुत मात्रा में है, आप पहले नौकरी का सिलेक्शन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों सभी, ताकि सभी एओसी कैंडिडेटों को पता चल सके। एओसी की फुल जानकारी हमने दे दी है, यदि बाकी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद।